बात पे बनाओगे मंदिर पे। एक्चुअली 5 सितंबर को मेरा बगलों का भी इनोग्रेशन है मलाड ओबरे मॉल के पास। सो पहले ये मंदिर का इनोग्रेशन कर ड्रीम्स कम ट्रू, ये ट्रू हुआ है आज। सो मैं बहुत खुश हूँ कि माता रानी मेरी आई है और उन्होंने ब्लेस किया कि मैं ये कर पाई, इस लाइक समझा मुझे। आई एम बस ये बोलना चाहूंगी, थैंक यू। देरी से बिगाड़ आया यहाँ का एनवायरमेंट कैसा, आपने भगवान का दर्शन भी किया, देरी से बिरा नहीं से बिरा, सुबह 3 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही वर्थित था, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंदिर बना है यहाँ पे, और मैं शिव जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे स्क्रीन सेवर पे भी मंदिर बनी यहाँ पे, मुझे इतनी प्यारे सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई विश कि आप सब जो मंदिर देख रहे हैं आपके नसीब में यहाँ पे आने का नसीब में वो यहाँ पे आप आए और माता जी का दर्शन लें, शिव जी की मूर्ति मेरे पीछे, बहुत ही सुकून मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू प्रियंका पाल जी मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए, मेरा दिल सब खुश हो। कुछ मांगा नहीं, बस शुक्रिया अदा किया कि जो भी मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स है आगे जाके, बस वही ब्लेसिंग्स जो देते आ रहे हैं वो मंदिर मंदिर का जितना आपको क्या हुआ, बहुत अच्छा, कितना लंबे तक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे कि आप देख सकते हैं आस पास जब आप एक मंदिर नेचर के बीच बनाते हैं तो नेचर की जो एनर्जी है मंदिर के अंदर भी आ जाती है, उसको मिल गया है यहाँ से। तो वास्तु को एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, भगवान से मेरा बहुत ज़्यादा अटूट प्यार है, और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज इनॉग्रेशन हो रहा है मंदिर कॉल में उपस्थित हूँ। थैंक यू करना चाहूँगी प्रियंका पॉल को और स्पेशली श्रद्धा दीदी को कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनाया, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में बहुत कम समय ऐसा होता है कि जो इस तरह के जब कोई इवेंट होते हैं जहाँ पे आपकी आत्मा जुड़ी होती है और आप उसका हिस्सा बनते हैं, तो ऐसा ही हो रहा था। मैंने जैसे माँ लक्ष्मी जी की माँ काली जी की मूर्ति देखी मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे लगा था कि मैं रो दूंगी। अपने आप को सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, थैंकफुल हूँ। मेरे यहाँ पे आके आपको मंदिर में क्या अच्छा लगा, क्या फीलिंग है? बहुत सुंदर माँ की मूर्ति, बहुत पावरफुल है, माँ की जो माँ है ही सबको अच्छी लगती है, लेकिन सच बहुत अच्छी, मैं मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच में रो दूँ, और बहुत अपने आप को बहुत इमोशनल और बहुत हल्का फील कर रही हूँ। आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है, जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे आते हो और आप अपने आप को बहुत लाइट फील करते हो, तो मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो भगवान से, और आई फील सो कनेक्टेड, मतलब ऐसी फीलिंग है शायद मुझे, मैं उसे शब्द में बयान कर पाऊँ। क्या मांगा? मुझे लगता है सब तो दिया है उन्होंने, बस यही मांग रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे और सब पे बने। अंधेरी से आगे एनवायरमेंट कैसा यहाँ का? अच्छा एनवायरमेंट है, अंधेरी से आगे ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक के बाद जो ग्रीनरी है, मैं यहाँ शूट करके गई हूँ 2 फिल्में, तो बहुत अच्छा एटमोसफेयर है। लास्ट टाइम मैं शूट करके गई थी तो अमूल डेयरी वाले से देसी घी के डब्बे लेके गई थी, मुझे लगता है अभी भी लेती हुई जाऊंगी, तो अच्छा फील है। वेदर बहुत सुंदर है,
अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में इतने प्रमोशन में आपको जब आके यहाँ पे अच्छा एनवायरमेंट होता तो बहुत खुशी होती है। आपके आने वाले पॉजिटिव हैं, बहुत सारे अभी तो रिलीज हुई, मैं तो गुलाम गुलाम तो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने, और उसके बाद बजरंग आ रही है पवन जी के साथ, बस बहुत सारी फिल्में आ रही है, बस यही चाहती हूँ कि पब्लिक को फिल्म देखे, उन्हें सराहे, उन्हें प्यार दे और ज्यादा से ज्यादा और काम करो। थैंक यू, जय माता दी।